होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, होश में आओ, बात करो। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। स्नोर घाटी के बाढ़ प्रभावितों का गुस्सा आखिर आज प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। प्रशासन द्वारा स्नोर घाटी के बाढ़ प्रभावितों से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा तथा उन्होंने तहसील मुख्यालय ओट में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, होश में आओ, बात करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बता दें कि 9 व 10 जुलाई को ब्यास नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई, जिससे नदी के आसपास के मकानों तथा उपजाऊ जमीन को भारी नुकसान हुआ और फसलें बर्बाद हो गई। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने बाढ़ प्रभावितों को उचित राहत राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया था, परंतु स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों को हुए नुकसान का न तो उचित मूल्यांकन करवाया गया और न ही नुकसान को देखते हुए उचित राहत राशि प्रदान की गयी। नमस्कार, मैं ओट की निवासी सुषमा सूद विधवा श्री कमलेश चंद्र सूद। मेरा घर ओट झील के किनारे बिल्कुल किनारे पे था। जब वे हमने घर बनाया था तो वो बहुत दूर था दरिया हमसे, कम से कम भी 40-45 फुट दूर था। तब हमें ये जगह मिली थी, तब हमने ये मकान बनाया था आज से कोई 40 साल पहले। अब पोजीशन ये हो गई है कि जब इन्होंने झील बनाई तो इन्होंने पहले झील का पानी भरा, उसके बाद इन्होंने डंगे लगाए। वो डंगे जो हैं वो हवा में लगे, उनकी कोई बुनियाद नहीं, उनका कोई मियाद नहीं। हर साल बाढ़ आती थी, हर साल मेरे घर को नुकसान होता था, थोड़ी थोड़ी मिट्टी खिसक जाती थी। जो इस बार बाढ़ आई है उसके कारण मेरे घर को सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है। माननीय तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, कानगो साहब सब आए थे मौका करने के लिए। जब उन्होंने मौका किया तो उन्होंने मुझे फौरन बोल दिया कि ये घर खाली कर दो। तो अब घर का सामान तो हम नहीं उठा पाए क्योंकि मेरे पास कोई उठाने वाला नहीं, आदमी मेरा है नहीं, बच्चा मेरा बाहर है, तो मैं सामान तो नहीं उठवा पाई। लेकिन आगे के दो कमरे मैंने खाली कर दिए हैं और हम रात को सोने के लिए किसी के घर में जाते हैं। तो अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? मेरे पास ना पैसा है, ना आदमी है, ना समय है। मैं आचार विधवा लारी क्या कर सकती हूँ? तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है, बार बार हाथ जोड़ के यही गुहार है कि मेरे घर को सेफ किया जाए, कंक्रीट की दीवार देके चारों तरफ से मुझे सेफ किया जाए और मेरे घर की जो रिपेयर होनी है उसके लिए मुझे मुआवजा दिया जाए जो सही बनता है। धन्यवाद जी। आज हमारा आउट बाजार का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय श्री तहसीलदार साहब जी से मिलने आए, लेकिन तहसीलदार साहब छुट्टी में चले गए हैं। नायब तहसीलदार साहब कहते हैं कि उस मौके पे गए हुए हैं। आज जो हमारा प्रतिनिधिमंडल इस विषय में इकट्ठा हुआ है कि जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे जितना परियोजना के कारण जो नुकसान लोगों के घरों का हुआ है, जो झील बनाने से पहले जो इन्होंने जो कंक्रीट के जो डंगे डाले थे वो हवा में ही थे, इनकी मनियाद सही तरीके से नहीं बनाई हुई थी। इस सबसे बड़ा कारण एक झील का भी हो, झील में डंगे बनाने का कारण भी हो सकता है और पीछे से जो भारी त्रासदी आई हुई है इसका भी ये कारण हो सकता है। हम कहते हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन ऊँट के मुँह में जीरा डालने वाली बात कर रही है। कई लोगों को लाख लाख रुपए दे रहे हैं और कई लोगों को 1,000 या 2,000 रुपए दे रहे हैं, शुद्ध भी नहीं ले रहे हैं। और हैरानी की बात है कि डीसी महोदय या एडिशनल डीसी महोदय या एडीएम साहब या एसडीएम साहब ऑर्ट में अभी तक कदम तक नहीं रखा। हैरानी की बात यह है और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि माननीय सुखविंदर सिंह सुखू जी ने कहा कि जिस जिसका बहुत नुकसान हुआ है हर परिवार को 1-1 लाख रुपये मिलेगा, लेकिन 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए तो घर से गाद निकालने का ही लगा लेबर वाले ले रहे हैं और अभी तक भी साफ सफाई का काम चला हुआ है। तो मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से और सरकार से कि ये जो आज भी जो सड़कों का जो मलबा फिर नदियों में डाल रहे हैं, इसी कारण जो है
ये गाद बनती है और बाढ़ का खतरा पूरा तरीके से मंडरा रहा है। जितनी भी सड़कें हैं आज साफ हो रही है, चाहे बंजार वैली की हो रही है, चाहे सहंज वैली की हो रही है, या स्नोर वैली की, या अपने यहाँ पीछे जितने भी फोर लाइन की जितनी भी सड़कों का जो गाद है वो सारी नदी में डाली जा रही है, और इससे जो आने वाले वक्त में और भी खतरा पैदा हो रहा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो गाद नदियों में फेंक रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिन प्रभावितों का जो नुकसान हुआ है उनकी सुध लेकर के प्रशासन स्पेशल किसी टीम को भेजे, और जिनको दो दो हज़ार रुपये दिया हुआ है उनका जो है एक एक लाख रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो दें, ताकि लोग अपने तरीके से जो है घर की साफ सफाई कर सके। जो जो मकान ढहने वाले हैं उसका तो कोई आकलन नहीं है। परियोजना से जो लार्जी प्रोजेक्ट का जो भी अभी काम हुआ है, आज से पहले जो काम हुआ है, ये सारा काम हवा में हुआ है। आप जिन जिन डंगों में सरिये लगे हुए हैं वो डंगे आज भी बिल्कुल सही है, जिनमें सर या ठेकेदार खा गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके जो JESDO खा गए, वो डंगे जो आज नदी में बह करके चले गए, और उस कारण जो है और के 8-10 मकानों को भारी खतरा हो गया है। मेरा निवेदन है सरकार से और प्रशासन से कि थोड़ा होश में आओ, होश में आकर के बात करो। प्रशासन पिछले दिनों जो 9-10 जुलाई को जो फ्लड आया था उसके बारे में हम सारे इकट्ठे हुए हैं, सभी इफेक्टेड है, और हमारे लोग यानी कि दूसरी जगह से हमारा जो किया जाए तो हमारे को 2-2, 3-3 हज़ार दिए गए, 1,000 भी कहीं को 1,000 रुपये दिए। देखने आए थे, प्रशासन भी देखने आया, सब कुछ देख के आया, और जगह इन्होंने लाख लाख रुपए किरायेदारों को 50,000 रुपये, किसी को जो कुछ यानी कि नॉमिनल है उनको 15,000 दिए। यहाँ पर 2-2, 3-3 हज़ार पकड़ा के हमको ठग दिया, और गाद में जो घरों में गाद भरी है, दुकानों में गाद भरी है, उसको निकालने को 1,00,000 रुपये लग गए हैं। और ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे, जो दीवार जो मकान में दीवारों में जो ये जो प्रोजेक्ट है, लार्जी प्रोजेक्ट है, इन्होंने जो दीवारें दी थी वो सारी क्रैक है, सारी वो हवा पर ही बनी हुई थी, उससे हमारी बिल्डिंगों को यानी कि जो हमारी फैक्ट्री है उनकी बिल्डिंगों को भी नुकसान हुआ है, और बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। उसके बाद कोई ज्ञान नहीं है, कोई आया नहीं, कोई जाया गया नहीं, तहसीलदार साहब है या हमारे कोई कानू को एक दो बार साहब है, लिस्टें बना के चले गए, उसके बाद कोई पता सिरा नहीं है, कोई भी कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें अब बोलते हैं जी भी सेक्रेटरी से लिखाओ, फलाने से लिखाओ, तुम खुद मौका करो, सेक्रेटरी से क्यों लिखाएं, हमें ही काम करते रहें, सिया सीधे बात करें, भाई ऐसा है हमारा, हमने देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे साथ बितकरा किया जा रहा है। जैसे और जगह 1,00,000 रुपये बिना पूछे, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं बनाया, सीधे 1,00,000 रुपये पकड़ा दिया, किसी को 50,000 रुपये पैकेट बना के आए थे पकड़ा दिए। जैसे पंडो की बात करें, वहाँ तो घर घर प्रति दिया, एक परिवार में जैसे एक निचली मंजिल में उसको भी 1,00,000 दिया, जो दूसरी मंजिल है इफेक्टेड नहीं है उसको भी दिया, उसके बाद किराएदारों को भी दिया, और यहाँ पर 2,000 रुपये दे लो जी, 4,000 रुपये ले लो, हमको बेवकूफ़ बना दिया ऐसे ही। हम तो ईमानदारी से देखते रहे कि भैया प्रशासन हमारे लिए अब आएगा कुछ करेंगे हमारे लिए, वो हमारी कुछ वैल्यू नहीं डाली इन्होंने, और पंडो वालों ने गालियाँ भी दी और मुआवजा भी लिया। हम है ईमानदारी से लगे हुए, हमारा सरकार और अखबार में सुखविंदर सिंह सुंकू जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने लिखा है बकायदा इफेक्टेड को 1,00,000 रुपये दिया जाएगा, यहाँ एक पैसा नहीं दिया अभी तक, लिस्टें ले रहे हैं, कभी सेक्रेटरी से लाओ, कभी फलाने से लाओ, कभी फलाने से लाओ, तो खुद सर्वे कर गए हैं अपने आप। सेक्रेटरी से क्यों लाओ, आप खुद ही सर्वे करो, जाके अभी भी करो सर्वे, अभी भी वैसे ही खड़ा है, सेक्रेटरी से लाने का क्या मतलब है, ठीक है नहीं। और जो हम सब इफेक्टेड है, हम तो पहले दुखी हैं, उसे ऊपर नमक छिड़क रहे हैं कि भाई ये फलाना करो, हम बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है, आप हमारे को ऐसा नो करो, क्या देना है नहीं देना है, क्या है क्या नहीं है, फिर कहते हैं जी प्रशासन से हमको हुक्म होगा तब देंगे। प्रशासन को जब मुख्यमंत्री ने किया आदेश किया है इनको, तो इनको देना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। आज हम सभी तहसीलदार साहब से मिलने आए थे, हम उनसे बात करने आए थे, हमें आगे के लिए क्या आदेश है, लेकिन तहसीलदार सिंह बोल रहे छुट्टी पर है, नायब तहसीलदार जी लौट गए हैं, अभी मिल नहीं पाए, हम उनसे जवानी जमा पूछना चाहते, पहले तो जवानी पूछते कि भाई क्या हमें क्या आदेश है, कुछ है नहीं है, अगर वो नहीं देंगे हम कागजी कार्रवाई करेंगे, उस तरीके से चलेंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास हिसाब है सारे, जिस जिसको दिए 1,00,000 रुपये दिए, 2-2 लाख रुपये दिए, और मुख्यमंत्री जी के आदेश का तो पालना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और डीसी साहब तो यहाँ दिखे भी नहीं, SDM DC तो दिखे भी नहीं, तहसीलदार आए पहले आए तकानू को पटवारी, वो मौका करके गए, लिस्टें बना के ले गए, उसके बाद कोई पता सिरा नहीं है, अब कहते जी सेक्रेटरी से भी लिखा के लाओ, इसी काम को लगे रहेंगे, किसी को बोलते आपकी जगह कितनी है, फलाना कितना है, यही काम करते रहेंगे हम,
हैं, जिनके आप जिनको दिए उनको कुछ पूछा ही नहीं क्या है, उनको सीधे लो जी पकड़ो, उन्होंने गालियाँ निकाली, उन्होंने गुस्सा किया, उनका जनाजा निकाला तब दिए उनको। हम ईमानदारी से बैठे हैं, शराफत से बैठे हैं और हमको बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए और से के ठाकुर की रिपोर्ट।